बच्चा तो कोई लाकर देगा नहीं हमारा। 12 बजे रात की लाश मिला उसको, यहाँ पर चोट यहाँ पर ज्यादा लगी। हम तो रह नहीं लौटा था यहाँ पर, जो तो जुम्मा का दिन था और दोपहर बाद जुलूस निकला था, यहाँ निकले थे चौकी के पास गए, वहाँ भी तो मना किया, पुलिस चौकी के गए वहाँ भी प्रशासन मना किए थे, फिर वहाँ मैदान में जुलूस था, सब CEO साहब अधिकारी लोग भी आए थे, वही सब को मना करते रहे, फिर वो बाद यहाँ छाई पर आए कि हम भेलूपुरा जाएंगे, प्रशासन कहने कहे आपकी जो मांग है हमारे सामने दीजिए, हम पेश कर दे रहे, पूरा प्रशासन यहाँ पर है, क्या करे जाएंगे, वही सब में कुछ हाथ भाई हुआ उन लोग में, और बाद जो तो बैठा दिया मैदान में, अब वहाँ से जो तो कैसे लाठी चार्ज हुआ कि किससे कहा हुआ है, बस उसी भगवे में ये लड़का जो तो 4 बजे तक खेलता रहा, रोड पर घर है ना तो उस पर रोड पर मतलब वो खड़ा होकर देखता रहा, बरंदा देखता रहा, कब निकल के बाहर गया ही नहीं मालूम, जब शाम भैया भैया की लाठी चार्ज का वो नहीं लड़का नहीं है नहीं है तो कहाँ गया, तो खुजिया हुए लगे, जब शाम रात हो गया तो भैया अभी तक नहीं आया, पता नहीं लग रहा है, तो जब पता लगा कि हाँ कि वहाँ मतलब पता चला कि वहाँ पर मतलब दबा हुआ है बहुत, हाँ वो तब लोग घबरा के तब वहाँ से तब पता चले भाई कि वहाँ पता लगा, हमारे भाई लोग गए थे लोग 4-5 घंटा खोजते रहे लेकिन लाश मिलती नहीं रही, तो हमारे पास फोन गया तो हम लोटा पकाते रहे, हलवाई काम करते हैं, तो हम 9:30 10 बजे रात में आए थे, तो पता चला कि अभी तक लड़का का पता नहीं है, तो एक लड़का मोहल्ले का था, वो एक फोटो जो लेके आया था रामा सेंटर से एक लड़का के दिखाने, तो ये लड़का नहीं है, तो कैसे एक फोटो और है, तो हम जैसे ही निकल के बाहर वहाँ गए नौकड़ पर, वैसे ही लोग फोटो लेके आया तो दिखाया हमको, हमको यही लड़का है कन जाओ जल्दी रामा सेंटर में, हमको 6 बजे शोरूम में देखा था, और उसके बाद जो तो मिल नहीं रहा है, तो हम वहाँ जब पहुँचे तो बहुत छानबीन करने के बाद तो बैठे थे अंदर गए, CEO साहब अधिकारी जो जिला सब लोग बैठे थे, गए तो कहें वकील आप ही हम कहाँ, कहें सगीर अहमद हमका हमारा लड़का है, तो कहें लेट लाश जो तो अंदर है, तो हमको लाश दिखाए करीब 12:30 बजे रात में, रात में मट्टी लेकर आए थे, कहीं 3 बजे तक मट्टी 4 बजे पड़ गई, ऐसा माहौल था, पुलिस खड़े थे कहीं जल्दी करवाइए, 10 आदमी 4 बजे रात के भोर में मट्टी पड़े जाके लेके गए, पोस्टमार्टम जब आया ने तो इसी खून चुतर वही तरफ लेटा के पानी डाल के खाली वही तरफ कपना के नहलाया फिर वही तरह चला गया, रिश्तेदार कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, वो देखे नहीं, मान लो तक से लोग नहीं देखी इतना तक कोई भी नहीं, सगीर की वही हम लोग यहाँ छत पर खेलता रहा और भीड़ रहा, वो साइकिल लेके चलाता था, वो हम लोग कहा कि भीड़ है तो ऊपर चले आ, ऊपर आया जब छत पर तो ऊपर से तो फिर उसके बाद कब निकल के चला गया ये नहीं मालूम हम लोग के, तो जैसे ही ये तो ये लड़का दौड़ के गया उसी मतलब भागल हुआ था, और ये समझ लो जब लोग भाग रहे थे लड़का बीच में चल गया कचला गया, जब बड़े लोग की ताकत में गिर जा रहे पे गिर रहे तो वो तो बच्चा था मासूम, नहीं कार्रवाई नहीं किए, अब गरीब आदमी हम लोग कहने सब कोई तो अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, सरकार तरफ से कोई नहीं आया, अब हमारा लड़का चला गया तो हमें उसका मांग हमें देना चाहिए, नहीं अब क्या करें, नहीं है तो उसका तो है ही है, अगर वो रहता तो हमारा सहारा रहता ना उसे, इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज थे वो हमको कहे घबराना मत, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर आए, उसके बाद फिर इनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, बहुत लोग कहें कि अच्छा तुमको हम लोग दिलाएंगे मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई आया ही नहीं, हाँ फोटो बहुत लोग लेके गए हैं, बुलाड हुआ था तो पता लगा तो फोटो मांग रहे थे, तो हमको फोटो जो कहाँ से लाए वही पुराना वाला फोटो दिया, नहीं कोई वो वाला फोटो वरदास वाला, हमको वरदास वाला जब हम रबे नहीं किए तो हम कैसे फोटो दे, क्या मांगेंगे हमारा तो जो चला गया तो हमें तो मिलेगा नहीं, हम क्या मांगे, अब क्या करेंगे बताइए, ऐसा जो मोदी जी बैठे हुए हैं तो मोदी जी कौन से करेगा, हम लोग खुद ही मर रहे हैं रोजगार के मारे, गिरफ्तारी की वजह से पूरा माल एकदम दहशत था, रात के बिना कोई के घर में जाओ अगर पल्ला करो तो सोचा कि गिरफ्तार करने आए हैं, पूरा मोहल्ला एकदम खाली था, फिर ये तो चालू कर दिया, अरे ये 1 महीना पहले अभी 4-5 लड़के पकड़ाने, 5-6 लड़का मोहल्ले के यार मुर्गा टोला पकड़ाने, किस लिए वही NRC वाला अभी भी चालू हो गया।